मेरा नाम दिनेश नरसिम्हा कंसाने है, मैं 21 साल का हूँ, मैं धारावी में पैदा हुआ हूँ, धारावी में पला बढ़ा हूँ। श्री श्री रविशंकर विद्या मंदिर में पढ़ा हूँ, मैं 10th वहाँ से ही क्लियर किया है मैंने। इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस, मज़ा आ गया वहाँ पर। और छोटे भाई बहन वो अपने ही स्कूल में पढ़ते हैं। फैमिली में 5 लोग थे हम लोग, माई मॉम, फादर और सिबलिंग्स। लास्ट ईयर जून में आई लॉस्ट माई मदर, घर जैसे बिखर ही गया है। डैड अचानक से एकदम सीरियस हो गए, तो फिर एक दिन डैड पूरे बेहोश हो चुके थे, तो वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट हुआ, पता लगा कि उनके जो नी है उसमें पूरा इन्फेक्शन था। मतलब 1.5 महीने के लिए डैड एडमिट थे, तो मैंने अपना जो भी है सब छोड़ के उनके पीछे लगा था दिन रात। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी मेरे को, बहुत बुरी वाली, जहाँ पे खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। प्रॉब्लम से तो भरा पड़ा था। ऑल ऑफ अ सडन स्कूल से मेरे को फ़ोन आता है कि आर यू इंटरेस्टेड इन कुकिंग। तो उसके बाद मैंने दिया इंटरव्यू एंड आई हैव गॉट सिलेक्टेड। तो मैं हैदराबाद गया, हैदराबाद जाके वहाँ पे कलिनरी एकेडमी ऑफ इंडिया जो मेरा इंस्टीट्यूट था वहाँ पे मैंने 1.5 ईयर क्राफ्ट कोर्स किया है। केम बैक मुंबई एंड आई एम डूइंग माई इंटर्नशिप इन सारा स्टार होटल विले पार्ले नियर डोमेस्टिक एयरपोर्ट। उसके बाद आई विल रिक्रूट इन क्रूज लाइन जॉब। I feel he'll be number one chef in the future because he's learned fast and really is a very clever chef. And I just came to know that he belongs to a very humble background, which is from Dharavi. I'm sure he has got a great future ahead. Right now he's working in the Lebanese kitchen with Sara Star. I wish him all the very best. ये सबसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भी पॉजिटिव। मेरे को ऐसा लगता है कि लाइफ में जितने प्रॉब्लम्स आते हैं, जितने भी स्ट्रगल्स आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसका सोल्यूशन भी लाइफ से ही मिल जाता है। ये सब जो भी सिचुएशन से मैं गुजरा हूँ, इन सब में जिन्होंने भी मेरे को हेल्प किया है, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर देम। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी, फॉर बी ऑलवेज बींग देयर विद मी।